भोजपुर जिला अंतर्गत कोइलोर प्रखंड के चांदी चौक के पास बाजार में शिविर लगाकर 575 असहाय व जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए, सभी को भोजन भी कराया गया। यह पुनीत कार्य सामाजिक संस्था असहाय कल्याण समिति चांदी बहियारा के सौजन्य से काफी व्यवस्थित ढंग से किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कोइलोर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के लगभग गाँव में स्थानीय समाज सेवियों के माध्यम से असहायों व अत्यंत गरीब जरूरतमंदों की सूची तैयार करवा टोकन पहले ही बांट दिए गए थे और निर्धारित उक्त शिविर स्थल पर आज 10 बजे पहुंचने को कहा गया था। कार्यक्रम निर्धारित समय पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। इनमें अध्यक्ष योगेश प्रसाद उपाध्याय, प्रखंड मुखिया सह के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव, संस्था के सचिव राम मूर्ति प्रसाद, आरपीपी एस कोइलवर के निदेशक रविकांत राय आदि ने किया। पुनित कार्य के महत्व जरूरत पर प्रकाश डाला और इसे बढ़ावा देने व व्यापक बनाने के लिए संस्था से जुड़ने व सहयोग देने की अपील की। लोगों ने संस्था के इस कार्य को काफी सराहा। पिछले कुछ वर्षों से संस्था हर ठंड के मौसम में कंबल वितरण करते आ रही है। मुखिया सुरेंद्र कुमार ने कहा कि गरीबों को जाड़ा का मुकाबला करने के लिए लोगों से विशेष सहयोग की अपेक्षा रहती है। साथ ही बताया कि 2013 में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर एक समिति का गठन किया, जिसमें प्रखंड के असहाय, वृद्ध, विकलांग, विधवा महिलाओं के बीच 101 कंबल वितरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद हर वर्ष कंबल की संख्या में बढ़ोतरी हो गई और प्रखंड के हर कोने से असहायों को चिन्हित कर कंबल वितरण किया गया। ये जो आपकी समिति है हर वर्ष वितरण करते हैं या फिर इस वर्ष वितरण करते हैं? नहीं नहीं, ये समिति जो है 2013 से शुरू हुई है और प्रयास यही है कि जब तक हम लोग का जीवन काल रहे चले, आगे के लिए नौजवान भविष्य देखेंगे। दो वर्षों से जुड़े हुए हैं, कैसा अनुभव करते हैं इसमें हमें आते? असहाय कल्याण समिति चांदी भैयारा कोइलवर के माध्यम से विगत 3 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ और जिस वर्ष इस संस्था से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा और राममूर्ति जी मुखिया जी परम आदरणीय नेताजी के माध्यम से मुझे सुखद अनुभूति प्राप्त होती है और मुझे लगता है कि यदि सही रूप से सच्चे दिल से समाज का सेवा करना है तो इन असहाय लोगों को यदि तुच्छ मदद भी हम कर सके तो अपने जीवन में मेरा जीवन का यह बहुमूल्य योगदान होगा। ये आपका सुनना। मैं रविकांत राय, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरपीपीएस विद्यालय कोइलवर और इस असहाय कल्याण समिति का उपाध्यक्ष हूँ। थैंक यू सर। कमल यह 2013 से हम लोग एक अपनी कमेटी बना करके व्यक्तिगत रूप से डोनेट करके यह संस्था को हम लोग आज संचालित है। आज 575 कमर तक पहुँचे हैं, आगे भी हम लोग इसे बढ़ाते रहेंगे। जब तक हम लोग प्रयास करेंगे, अगर जीवन लोग हमारे साथी लोग सब लोग जब तक रहेगा हम लोग प्रयास करेंगे और असहाय को हम लोग सहायता। जब इस मुहिम को आप लेके चले थे तो कितने लोग समिति में थे और कितना कंबल वितरण किया गया? उस समय 210 कंबल था और समिति में जो लोग है वो भी है आज भी लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग समिति में सदस्य लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग जुट रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव, मैं प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ मुखिया ग्राम पंचायत। 2013 से भाई गरीबों के बीच में कैसे कंबल दिए? 2013 में 210 कंबल से एक बाद कमेटी बैठा के निर्णय ले गए कि एक नाम रखल जाओ असहाय कल्याण से।
गांव में गरीब के चुनाव करके कैंप करके गरीबों के बीच असहाय विकलांग के बीच में कंबल तथा भोजन वितरण किया जाए। और 2013 से अभी तक हम 575 कंबल पहुँचे। इसमें आप लोगों और सभी लोगों को अच्छा सहयोग है, मार्गदर्शन है। इसीलिए ही कैंप किया जाता है कि कहीं हम में कहीं कमी हो तो सुझाव दें और उसको पुनः हम उनकी बात को इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छे ढंग से कंबल वितरण करें। और मेरा लक्ष्य है कि यही नहीं, पूरे जिला में, जिला से बिहार में, मतलब हम लोगों का सोच है, लेकिन हम लोग जितना अपना असहाय कल्याण समिति चांदी बहियारा प्रखंड कोइलवर भोजपुर का के सौजन से जितना हो सका उतना करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जोगेश।